और अब बात दलित वोट बैंक की, जिस पर समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस की नजर है और राहुल गांधी कल प्रयागराज के दौरे पर भी जा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की कोशिश उस वोट बैंक में सेंधमारी की है जो कभी बीएसपी के कोर वोटर में शामिल हुआ करते थे और अब वो वोटर करीब करीब समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। यानी राहुल गांधी न सिर्फ दलितों को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं बल्कि यूपी में नई राजनीति को भी हवा दे रहे हैं, जिसकी भनक लगते ही मायावती ने भी एक बार फिर से कोटे का मुद्दा छेड़ दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सुल्तानपुर रायबरेली के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा उस वोट बैंक के लिए है जिस पर कभी मायावती का दबदबा रहा था, जिस पर मायावती के बाद अखिलेश यादव का कब्जा हो गया। अब उसी वोट बैंक को साधने के लिए राहुल गांधी प्रयागराज जाने वाले हैं। यहां कांग्रेस संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस दौरान राहुल गांधी किसान व्यापारी से संवाद करेंगे, महिला समूह के साथ बुनकरों से भी चर्चा करेंगे और आरक्षण के मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे। दरअसल अयोध्या में अवधेश पासी की जीत और बीजेपी की हार को हथियार बनाने वाली समाजवादी पार्टी भले ही दलितों को साधने में कामयाब रही हो, लेकिन इससे इतर कांग्रेस अलग प्लान पर काम कर रही है जिसका अगला पड़ाव प्रयागराज है। यहाँ पर सिविल सोसाइटी का कार्यक्रम है, उसके तहत राहुल जी आ रहे हैं। लगभग 3-3:30 बजे आ जाएंगे, 4 बजे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे और आज यहाँ पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। मैं समझता हूँ कि आज ये इलाहाबाद प्रदेश यहाँ जो हमारे प्रयागराज के लोग, इनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि 40 साल बाद यहाँ पर कांग्रेस का सांसद जीता है। तो निश्चित तौर से आज राहुल जी कल यहाँ आ रहे हैं और खुलकर कांग्रेस के लोग उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और संविधान को जिस तरीके से मोदी सरकार ने कुचलने का दबाने का काम किया उसके निश्चित तौर से आज राहुल जी ने उस पर लड़ने का काम किया है, बचाने का काम। यानी जिस वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी की नजर है अब उसी वोट बैंक पर कांग्रेस भी तिरछी नजर से देख रही है। सूबे में दलित आबादी 22% के करीब है जिसमें 12% जाटव और 10% गैर जाटव दलित है। कांग्रेस अब सामाजिक न्याय के एजेंडे के साथ ही जाति आधारित गोलबंदी कर सियासी बिसात बिछाने में जुटी है। पार्टी दलितों में पार को रायबरेली से आई जब वो अर्जुन पासी के घर वालों के जख्म पर मरहम लगाने पहुंचे। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहां आया हूं और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। एक तरफ राहुल गांधी दलितों को साधने की रणनीति बना रहे हैं, इसी बीच मायावती ने भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधा। मायावती ने SC/ST आरक्षण में कोटे को पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, कोटे में कोटा को लेकर कांग्रेस, सपा और इनके गठबंधन की चुप्पी घातक है। इससे ये भी साबित हो जाता है कि SC/ST वर्गों के सही हित, कल्याण और उत्थान के लिए दोनों ही पार्टियां और इनके गठबंधन एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन वर्गों का हित अम्बेडकर वादी BSP में ही सुरक्षित है। यानी मायावती एक बार फिर कोटे में कोटे वाले मुद्दे को अपना चुनावी हथियार बना चुकी है। तो राहुल गांधी संविधान के नाम अब दलितों को पैगाम देने के लिए प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।